नमस्कार, फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं श्री विनय वर्मा जी। आप बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकारी सदस्य हैं। हाल ही में आपको विद्यार्थी विभाग का कोकण विभागीय संपर्क प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान महाराष्ट्र प्रदेश का सह संयोजक भी नियुक्त किया गया है। आज हम आपसे बात करेंगे इन्हीं सब नियुक्तियों के बारे में, इन पदों से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों के बारे में और जानेंगे आपकी अगली प्लानिंग के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं TV1 इंडिया का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस मौके के लिए। अच्छा, सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि आपको बीजेपी युवा मोर्चा ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, किस तरह से आप इन जिम्मेदारियों को देखते हैं? सबसे पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रांत जी पाटिल जी, चंद्रकांत दादा पाटिल जी, विरोधी पक्ष नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी, छत्रपति श्री उदयन राजे भोसले जी, सबका हार्दिक मन से अभिनंदन करूंगा कि मेरे को इस मौके के काबिल समझा उन्होंने और ये दायित्व प्रदान किया है। मैं पूरी निष्ठा से यह कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा महाराष्ट्र से आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। तो जितनी योजनाएं हैं उस पर मैं खुद काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके, ये कोशिश रहेगी मेरी कि मूलभूत जो योजनाएँ हैं वो लोगों तक पहुँचा सकूँ और उनको उससे काफ़ी फायदा हो सके, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है। आपका अगर प्रोफाइल हम देखते हैं तो आपने पढ़ाई लंदन में की, हायर एजुकेशन आपने वहाँ से लिया, वहाँ पर काफ़ी अच्छे अवसर रहते हैं नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, इसके बावजूद भी आप इंडिया में लौट आए, क्या खास मकसद था आपका? पहली बात तो विशेष चीज़ मैं एक आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा पॉलिटिकल कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये 2014 का जो इलेक्शन था मोदी जी का, वो मैं इस प्रकार एक यूनिवर्सिटी से आकर के बैठा हुआ था, उन्हें देख के मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित हुआ और उन्होंने एक बात कही थी कि युवाओं को जो भारत के बाहर जो कार्य कर रहे हैं उन्हें फिर आके इंडिया के लिए कुछ, भारत के लिए कुछ करना चाहिए। उस विषय में मैं पहली बार पॉलिटिक्स से ज़्यादा जुड़ाव हुआ मुझे, और मैंने एक मन में निश्चय किया था कि जब कब भी मैं भारत जाने का मौका मिले मुझे तो मैं कुछ देश के लिए करना चाहूँगा। और मोदी जी के सपने जो वो चाहते हैं कि युवाओं के साथ जुड़े, वो एक सोने की चिड़िया फिर भारत देश को बनाना चाहते हैं, उस मुहिम का मैं एक हिस्सा बन पाऊँ। तो आपका जैसे सवाल था कि सब चीज़ें छोड़ छाड़ कर लंदन से फिर मैं क्यों इंडिया के तरफ मुड़ आया, तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि भारत एक आध्यात्मिक देश है, जिससे आप मार्क जुकरबर्ग बोलिए, फेसबुक के, गूगल के बोलिए, CEO कोई भी बड़े आदमी बोलिए, आप आज नाम ले सकते हैं, सबको जो भी उन्होंने प्रदान किया अपने जीवन में, तो भारत को सबसे बड़ा श्रेय देते हैं कि आध्यात्मिक रूप से उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है। तो इस चीज़ का जो भरोसा एक बाहर के लोगों को है, वह एक अपने नागरिकों को भी होना चाहिए। वो देखते हुए एक विचार था मन में कि हमारे संत है राधा स्वामी जी के, उनके काफ़ी ज़्यादा मान्यता है उनकी, तो पिताजी का भी बोलना और ये बोलना, एक संस्कृति है भारत की कि फिर जाकर अपने को जो अपन ने आज सीखा है वो फिर देना चाहिए युवाओं को। तो इस विषय से सारी हर चीज़ें मिलते हुए भी एक विषय था कि जो ज्ञान 7-8 साल में काबिलियत के हिसाब से प्राप्त किए वो लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए और इस मार्ग पे चला जाए, तो यही एक विषय था। और एक और विषय ये भी था कि कितनी भी आप शिक्षण प्राप्त कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एक आपका जुड़ाव होता है आपके देश के तरफ। तो यही एक सबसे बड़ा निर्णय था कि देश में आके फिर से कुछ करना है देश के लिए। आपको बीजेपी युवा मोर्चा का जो विद्यार्थी विभाग है उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कोकण विभागीय संपर्क प्रमुख हैं आप। अगर गौर करें तो विद्यार्थियों की तमाम सवाल हैं, तमाम समस्याएं हैं, तमाम शिकायतें हैं, कैसे निपटाने के लिए प्रयास रहेंगे आपके? सुधीर जी, जब आप जिम्मेदारी तो बड़ी छोटी चलती रहती है, एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि समस्याओं से ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए भी, मेरे लिए भी, और एक इंटरैक्शन, एक ब्रिज क्रिएट करने का कि कैसे हम बाहर की आधुनिक तकनीक यूज़ करके और अब आज की जो युवा पीढ़ियों की जो सवाल है उनको कैसे
उनका सोल्यूशन दे सकते हैं टेक्नोलॉजिकल वे में, और कैसे किस तरीके से मैं अपना एक अपनी अपनी पर्सनल जो एक लाइफ है उसका लेते हुए, और पार्टी के जो संज्ञान कराते हुए जो किस विषयों पर मुद्दे पे बात करके उनके कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं उस पर ज्यादा जोर रहेगा, रेदर देन पॉलिटिकल। आई वुड से कि ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टूडेंट्स को हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो जो विद्यार्थी रोजगार की तलाश में, हम चाहेंगे कि मोदी जी का भी सपना यह है कि वो आधुनिक खुद का एक उद्योग खड़ा कर सके। उसी विषय के लिए आत्मनिर्भर अभियान का भी कार्य कर रही है पार्टी, और पार्टी यह भी चाहती है कि युवा सशक्तिक हो और काफी ज्यादा लोगों में अपना प्रभाव इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। यस, आपने खुद जिक्र किया कि आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है, आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र प्रदेश के सहसंयोजक आप नियुक्त किए गए हैं। ये मिशन दरअसल क्या है, कैसे युवाओं को और बेरोजगारों को कैसे लाभान्वित किया जा रहा है इससे? खास करके प्रधानमंत्री जी का एक ये काफ़ी ज़्यादा दिल के करीब का विषय है, क्योंकि आत्मनिर्भर अभियान में हम 38 पॉलिसीज स्पेसिफिकली टारगेटेड जो आत्मनिर्भर या सेल्फ इंडिपेंडेंट लोगों को कर सके उस पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें आप रोजगार अभियान हो गया, WEP हो गया, KCC हो गया। तो एक उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे KCC हो गया, कोई किसान है, उनके पास 2 या 3 जानवर है, जिन्हें क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अच्छा। और विदाउट एनी कोलैटरल आपको 1.5 लाख रुपए आपके निजी आपके व्यवसाय के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो एक बेसिक उदाहरण दिया, और जैसे स्मॉल स्केल MSME इंडस्ट्रीज हो गई, उन्हें 25-35% की सब्सिडी सरकार की तरफ से योजनाओं से लाभ होगा। यह एक आत्मनिर्भर अभियान एक मुहिम के तौर पे नहीं कह सकते आप, यह एक बेसिक जीवन कोरोना काल में मोदी जी का एक रामबाण के तरह इसको आप कह सकते हो, कि लोगों को कैसे प्रोत्साहित करके इस महामारी में भी कैसे आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा मौका है युवाओं के लिए भी और लोग देशवासियों के लिए। तो आत्मनिर्भर अभियान का मेन जो गोल यही है कि लोगों तक मूलभूत सेवा पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सके इस अभियान के द्वारा। राजनीति हो या कारोबार, अक्सर आपने भी देखा होगा कि युवाओं की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप इस भूमिका को कैसे देखते हैं और क्या प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ सकें? राजनीतिक क्षेत्र में तो मैं यही कहूँगा कि युवा, जब हम भी थे तो हमारा एक ही नेगेटिव एक लेंस से हम देखने की काफ़ी ज़्यादा प्रयास होता है युवाओं का, तो एक उसको पॉजिटिव में क्रिएट करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और जो युवाओं की जो असली समस्या है उनको ना नॉन पॉलिटिकल के रूप में देखते हुए समस्याओं के जैसे देख के उनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कार्य करेगा, और पार्टी की जो रियल विचारधारा है कि देश को कैसे संपन्न बनाया जाए और कैसे लोगों को आत्मनिर्भर किया जाए, इस मुहिम पे ज़्यादा कार्य करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने की कोशिश। आप एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जो बेसिकली उद्योग और कारोबार से जुड़ा हुआ है, फिर जैसे कि आपने खुद भी कहा कि आपका पॉलिटिक्स में ज़्यादा रुझान नहीं था, फिर भी आप विदेश से आए और यहाँ पर आप उससे ज्वाइन हुए, परिवार की क्या भूमिका आपके साथ रहती है? सुजीत जी, सच कहूँ तो परिवार का एक इतना बड़ा सपोर्ट है, इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। पहली बात तो उद्योग एक चीज़ है कि आज आप मैं स्वतः आत्मनिर्भर हूँ उद्योग के कारण, और मैं यह नहीं समझता कि उद्योग मतलब जीवन है। जीवन एक ऐसी चीज़ है कि आपको लोगों के लिए भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे अपन बोलते हैं वो भी एक बनती है, तो पॉलिटिक्स मेरे लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके द्वारा मैं अपने जीवन की क्षण और जो मैंने सीखा है या मूलभूत जीवन में लोगों को क्या दे सकूं, इसीलिए मेरे लिए राजनीति एक सोशल सर्विस की तरह है, ना कि उद्योग और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मैं इसको मैच नहीं करना चाहूँगा। विनय वर्मा से हमारी आगे भी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए TV1 India। क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार, नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो यहाँ के नगर में देखे, डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। हम बहुत वार्ड परिक्रमा खोल खोल। नमस्कार, मी डॉक्टर श्याम उर्मिलाबाई चिदानंद राव मोरे आपल्या समोर लवकरच घेऊन येतोय एक आगळा वेगळा कार्यक्रम।
ज्याचं नाव आहे कुछ बातें कुछ मुलाकात। मराठी हिंदी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषेतून होणाऱ्या या चर्चा सत्रात सामान्याचं असामान्य कर्तृत्व, जगमान्य नेतृत्व आणि सर्वमान्य वक्तृत्व यांच्या चर्चा होती। या चर्चेत कधी गीत असेल तर कधी संगीत असेल, कधी आत्मा असेल तर कधी परमात्मा असेल, कधी राजकारण असेल तर कधी समाजकारण असेल, कधी भावना असतील तर त्या भावनेशी संबंधित विश्व असेल, कधी ज्ञात असेल तर कधी अज्ञात असेल, कधी टाळ असेल तर कधी मृदंग असेल, कधी वाणी असेल तर कधी वाणीचा विलास असेल, कधी संशोधन तर कधी प्रबोधन असेल, आणि कधी कधी या सर्वांना गुंफणार एक भावनांचं विश्व तुमच्या समोर सादर केला जाईल। अशा या अनोळखी पण अथक प्रवासात ओळखीचे आपण सारे जण आम्हा सोबत असणार याची आम्हा खात्री आहे, आणि म्हणूनच भेटूया लवकरच। का स्वागत है। अगले सवाल से मैं शुरुआत करता हूं कि लॉकडाउन के कारण आज देखें तो पूरी इंडस्ट्री जो है और कारोबार है पूरी तरह से ठप हो गया था, आर्थिक मंदी थी। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसका उद्देश्य था छोटे उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाना, उसे मदद करना, तो ये जो अभियान है किस तरह से छोटे उद्योगों को, कारोबार को कैसे मदद करेगा, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि सुधीर जी, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एमएसएमई क्षेत्र में और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मोदी जी का ये सपना था कि आत्मनिर्भर हो लोग और रोजगार छोड़कर अपना खुद का उद्योग करें। तो एक आपको उदाहरण दूंगा मैं, WEP वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के तहत 10 महिला जो कि साथ में आकर जो भी छोटा उद्योग करना चाहे वह कर सकती है, उसके टर्नओवर के हिसाब से 15 से 50 लाख का उनका टर्नओवर हो मासिक, तो उसमें उन्हें 25-50% तक की सब्सिडी सरकार देगी। तो आप एक एग्जांपल के तौर पे अमूल का ही विषय ले लीजिए, एक महिलाओं का चलाया हुआ, आज आप पूरे भारत में उनका गूंज सुनते हो। उसी तरह एक अचार बनाने से लेके पापड़ बनाने से लेके 15 लाख तक के खर्चे में पूरा 100% सब्सिडी सरकार उसमें 15 लाख तक देती है आपको, या उससे ज्यादा है तो सरकार की मर्यादा 35% से 50% तक है। तो इस उदाहरण से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कोरोना काल में भी लोगों को काफी ज्यादा सरकार किसी की भी हो इस अभियान के द्वारा और योजना के द्वारा मदद कर रही है। आप जहां से पढ़ के आए हैं, जहां से आप लंदन से आप लौटे हैं, वो ऐसा देश रहा है जिसने भारत पर लंबे समय तक हुकूमत की है। आप जब यहाँ की व्यवस्थाओं को आप देखते हैं तो वहाँ और यहाँ की व्यवस्थाओं में क्या अंतर लगता है आपको, और क्या इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ आप मानते हैं कि जो भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए? सबसे पहले चीज़ तो सुधीर जी, इस प्रश्न के लिए मैं बहुत धन्यवाद करूँगा आपका पूछने के लिए, क्योंकि पहली बात तो काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं छुट्टी मनाने और फिर आ जाते हैं एक महीने में और फिर बोलते हैं इंडिया में ये नहीं है, भारत में ये सड़क नहीं है, वो नहीं है। सबसे पहली चीज़ यह है कि हर चीज़ स्वतः से शुरू होती है, आपको खुद को कोई चीज़ पहले करनी चाहिए और दूसरे को एग्जांपल उसका उसके बाद देना चाहिए। पहली चीज़ तो जो विदेश से अपने को जो सीखने की ज़रूरत है, पंचुअलिटी इज मस्ट। आज आप देखेंगे वहाँ पे कोई भी कार्य शुरुआत होता है तो 9 बजे का समय दे तो वो 8:30 बजे आके आपके लिए खड़े हो जाते हैं। वही चीज़ आप भारत में देखो तो आप 9 बजे का समय देते हो तो 9:30 बजे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको एक VIP कल्चर है या आप जो भी कल्चर है इनको ख़त्म करके आपको एक हम्बलनेस और डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़ना जिसे बोलते हैं, वो होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आप पॉलिटिकल एग्जाम्पल दूंगा आपको मैं, विदेश में उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उसी लाइन में खड़े होते हैं जहाँ पे एक सामान्य कॉमन सिटीजन जहाँ खड़े होते हैं उनके लिए कोई भी, मोदी जी की कोशिश भी यह रहती है कि लाल बत्ती से लेकर आप जो भी देखेंगे तो जो जिम्मेदार अधिकारी या वरिष्ठ नेतागण है जिनको उसकी जरूरत है उनके लिए ही यूज करें, ना कि एक VIP कल्चर पोर्ट्रे करने के लिए किया जाए। तो मैं खुद इसका समर्थन करूंगा कि जमीन से जुड़ने में और हम्बलनेस रहने में या पंचुअल रहने में कोई खराबी नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजों पर अगर युवा ध्यान दे या देशवासी ध्यान दे तो अपन काफी ज्यादा आगे जा सकते हैं। और विदेशी लोगों ने अपनी चीजों पर जिनको अपने आयुर्वेदा की इंपॉर्टेंस नहीं थी उन्हें पेटेंट कर करके आज वो रॉयल्टी कमा रहा है। तो हमें ये ध्यान देना है कि अपने पास क्या चीजें हैं रेदर देन आप बाहर जाके क्या कर सकते हो। तो मेरा तो यही उद्देश्य, मैं खुद 8 साल बाहर रहा हूं कि भारत में भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, भले एक मटेरियलिस्टिक चीज में आप पैसों में तोल नहीं सकते उनको, पर उन पर आप कार्य करें तो आप उनसे भी ज्यादा पैसे या सक्षम बन सकते हो और बना सकते हो। फिलहाल अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार है,
एक बीजेपी के युवा मोर्चा के पदाधिकारी के तौर पर आप किस तरह देखते हैं सरकार के कामकाज को? मैं राजनीतिक टिप्पणी तो ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं यही एक विषय कहूँगा करंट सरकार को। मेरा यही एक सलाह है कि सरकार किसी की भी हो, आत्मनिर्भर अभियान जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मुहिम है, ये जन जन तक पहुँचाने में सरकार मदद करे इस चीज़ के लिए। और जो नेगेटिव कल्चर या पार्टी के विरोध में कोई भी चीज़ें करे अपने स्वार्थ के लिए या पार्टी के लिए स्वार्थ के लिए, वो छोड़ के एक सक्रिय राजनीति करना काफ़ी ज़रूरी है। सर अभी 5 रैपिड क्वेश्चंस हैं, आपको इमीडिएट उसका एक शब्द में जवाब देना है। आपको गुस्सा कब आता है? कोई झूठ बोलता है तो तब मुझे गुस्सा आता है। और आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? जब कोई अब मन से कोई भी चीज़ मांग ले, दिल से बोले, तो बहुत खुशी होती है। आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड चाइनीज़ है। और फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? मैं लंदन मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है। एक दिन आपके सामने अगर ईश्वर प्रकट हो जाए और पूछें कि विनय वर्मा जी आप क्या मांगना चाहते हो, एक चीज़ आप क्या मांगेंगे? ईश्वर मेरे सामने प्रकट हो जाए तो मैं यही मांगूंगा कि कभी देशों के बीच में लड़ाई या ना। आपके लिए अपना आपका परिवार कितना अहमियत रखता है? परिवार एक फाउंडेशन की तरह है कि उसके बिना जीवन अधूरा है। अगर एक दिन का महाराष्ट्र का आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप एक काम क्या करना चाहेंगे जिससे सबको खुशहाली मिले? एक दिन का अगर मुख्यमंत्री मिले तो मैं एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहूँगा कि भारत भी विदेशों से ज़्यादा सक्षम क्यों है। रैपिड फायर खत्म हो चुका है, अब आखिरी 2-3 सवाल आपके लिए हैं। सर जो जिम्मेदारियाँ आपको मिली हैं, निश्चित तौर पर वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में है, आपको ये निभानी है। क्या मिशन आपने रखा अगले 2 सालों के लिए? एक ही गोल है पार्टी का भी और मेरा भी, एक ही गोल है कि युवा तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे पॉजिटिव मैसेजेस दिए जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कार्यशील युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाए। और मूलभूत जो आत्मनिर्भर का जैसे बात करी अपन ने, इस 2 साल में ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी, एक एक हर जिले में 2000 टारगेट है हमारा कि 2000 लाभार्थियों का एक एक जिलों को संपन्न करना है। 3 महीने में हमारा यही टारगेट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सशक्त बनाए और आत्मनिर्भर कि इस दौर में लोगों को अपना खुद का व्यवसाय शुरुआत करा के दें। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो ताकि लोग विद्यार्थी जो आपका युवा मोर्चा है उससे जुड़ सकें और आपके आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ सकें? युवाओं को यही एक संदेश देना चाहूँगा मैं कि नेगेटिव दृष्टिकोण छोड़ के एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से चीज़ों को समझ के या संवाद को समझ के निर्णय लेना चाहिए और सही के साथ खड़ा होना चाहिए। और मुझे लगता है भारतीय जनता युवा मोर्चा और आत्मनिर्भर भारत जो ये चीज़ है, उसी से आप समझ सकते हो कि पार्टी की सरलता किस विषय में है। और ये आज जो सरकारें हो ना हो इस योजनाओं को मोदी जी पहुंचा रहे हैं, तो उसमें युवाओं को ऑलरेडी एक मैसेज जा चुका है प्रधानमंत्री जी की ओर, इन इतने युवाओं को जुड़ते हुए देख के कि कोई पॉजिटिव काम करने के लिए जुड़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या आपने लक्ष्य रखा है बीजेपी युवा मोर्चा के लिए, विद्यार्थी विभाग के लिए और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए? आपकी भूमिका आपके कार्यक्षेत्र में किस तरह की रहेगी? सुधीर जी, ये मेरी एक ही सोच है अपने पॉलिटिकल करियर के लिए कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं पहली चीज़ तो, और जो एजुकेशन मैंने प्राप्त की है विदेश से उसके द्वारा मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकूं भारत में और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंपनी उभार सकूं भारत में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार लगा सकूं। तो मेरी एक ही इच्छा है पॉलिटिकली भी कि मैं भारत को बाहर के टेक्नोलॉजी और पेटेंट से और टेक्नोलॉजी से एक अवेयरनेस क्रिएट करवाऊँ और एक ब्रिज क्रिएट करूँ इस चीज़ से। तो पॉलिटिकल फॉर मी इज़ नॉट समथिंग टू अचीव, इट इज़ समथिंग टू गिव टू द पीपल। सो यही मेरा एक मैसेज है। मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, देवेंद्र फडणवीस जी, विक्रांत दादा पाटिल जी प्रदेश अध्यक्ष हमारे युवा मोर्चा के, श्री छत्रपति उदयन राजे भोसले जी और जो भी नेतागण है वरिष्ठ, सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस पद लायक काबिल समझा मुझे और ये मौका दिया। किसी शायर ने लिखा है कि जीवन की असली उड़ान अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मैंने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। विनय वर्मा जी से बातचीत करने के बाद कुछ इसी तरह का हौसला नज़र आता। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो संकल्प और जो आपने विजन रखा है, निश्चित तौर पर आप उस विजन में सफल होंगे, उस मिशन में आप सफल होंगे। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत से दोबारा आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, TV1 इंडिया। नमस्कार।
लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।